गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि अग्रवाल, इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास फोर्थ. टुडे वी विल स्टडी योर इंग्लिश फेरी बुक एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज वंस अपॉन अ टाइम. ये एक पोएम है और यहाँ पर फैमिली रिलेशन के बारे में बताया गया है. ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट पेज पर हम देखेंगे कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, उनमें फैमिलीज कुछ एक्टिविटीज कर रही है. तो आप लोगों को उनमें से जो चीज़ें करना पसंद है, यानी अपनी फैमिली के साथ जो चीज़ें करना अच्छा लगता है, उसके आगे आप लोग ट्रू के निशान लगाओगे, और जो चीज़ें करना नहीं अच्छा लगता है उनके आगे आप लोग फॉल्स के निशान लगाओगे. यहाँ सर्कल्स बने हुए हैं. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब इस पोएम में क्या कहा गया है कि फैमिलीज आपस में एक दूसरे के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती है, कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ क्लोज होकर वो लोग एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, गाना गाते हैं और बहुत खुशी खुशी रहते हैं, इसी चीज़ को इस पोएम में बताया गया है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम इन अ हाउस सो बिग एंड वाइड द फैमिली दैट लिव्ड देयर वर सो हैप्पी इनसाइड. एक बार की बात है कि एक बड़े से ग्रैंड घर में, बहुत अच्छे घर में एक फैमिली रहती थी और वे लोग वहाँ बहुत खुश थे. देयर वॉज मम्मी एंड डैडी टू लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स. एवरी नाइट दे वुड गैदर इन द लिविंग रूम दे वुड ट्वेल. उस फैमिली में कौन कौन थे, यानी मम्मी डैडी थे और उनके दो लड़के थे और दो लड़कियां थी, यानी दो भाई बहन थे और मम्मी पापा थे. वे लोग हर रात में लिविंग रूम में एक साथ इकट्ठे होते थे और वहां पर मज़े करते थे, यानी शाम के समय में वे लोग कहां इकट्ठे होते थे, लिविंग रूम में, और ट्विल करते. ट्विल मीन्स मज़े करना, मस्ती करना, हंसी खुशी अपना टाइम स्पेंड करना. नेक्स्ट, दे डांस्ड एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स देयर. हाउ क्लोज द फैमिली वॉज. वे लोग एक साथ नाचते थे, अच्छे अच्छे गाने गाते थे. फैमिली बहुत ही क्लोज थी, यानी सभी लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज थे, अपनी बातों को अच्छे से शेयर कर पाते थे. द लव वॉज ग्रेट दे शेयर्ड, यू सी दे शोड दे केयर्ड. उन लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार था, वो लोग आसानी से अपनी बातों को किसी से भी कह देते थे और एक दूसरे का सभी लोग बहुत ख्याल भी रखते थे. रिमेम्बर दैट योर फैमिली कैन बी द सेम वे टू. याद रखो, आपकी भी फैमिली इसी तरीके से हो सकती है, यानी अगर आप लोग चाहो तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो. जस्ट ट्रस्ट एंड लव ईच अदर एंड शेयर ईच अदर्स थॉट्स. लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, एक दूसरे से प्यार करना होगा, हम लोग एक दूसरे की बातों का सम्मान करना होगा. और हमें हमारे अंदर जो भी सोच होती है, हम कई बार कई चीज़ें सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हमें एक दूसरे से शेयर करना होगा, यानी बांटना होगा, अपनी बातों को अपने परिवार के लोगों को बताना चाहिए. बिकॉज यू नीड योर फैमिली टू कम्युनिकेट अलॉट. क्योंकि आप लोगों को अपनी फैमिली की कई बार ज़रूरत होती है जब हमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करना होता है, यानी कई ऐसी बातें होती हैं जो हम कहीं और नहीं बता पाते, सिर्फ हमारी फैमिली ही है, यानी हमारा परिवार ही होता है जो उन बातों को समझ पाता है. हियर यू कैन सी कम्युनिकेट. कम्युनिकेट मीन्स टू एक्सप्रेस द थॉट्स, यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त करना. ठीक है, एंड As you all grow older, you will always know. जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपको हमेशा ये समझ में आता जाएगा, यानी धीरे धीरे चलकर ये बातें आप लोगों को समझ में आएंगी. In times of trials and troubles to your family, you can go. यानी जब भी कभी कोई ऐसा समय आए जब आप बहुत बड़ी परेशानी में हो, मुसीबत में हो, तो ये आपका परिवार ही होता है जो आपको उस परेशानी से बाहर निकालता है, आप लोगों को सही रास्ता दिखाता है. हियर ट्रायल्स एंड ट्रबल्स, इट मीन्स प्रॉब्लम्स, यानी परेशानियाँ. जब भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो परिवार में ही हम लोग अपने
बातों को शेयर करते हैं और उसी से उसका सॉल्यूशन निकलता है, यानी हल निकलता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक पोयम था, किसके द्वारा लिखा गया? जैकलिन सोर के द्वारा। और आप लोगों को अब ये करना है, इस पोयम को लर्न करोगे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, गुड डे।